बहुत सारा फ्रेंड मुझे कमेंट कर रहे थे जो 1 GB 2 GB रैम के लिए कोई गेम बूस्टर और GFX टूल के बारे में बात करो और सच में ये यूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए, सच में क्या वो लैग को जो है इस एकदम से ख़त्म कर देता है। तो इसीलिए वीडियो को बनाया हूँ और इस टॉपिक पे बात करेंगे आपको क्या GFX टूल और जो है गेम बूस्टर एप्लीकेशन यूज़ करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो चलिए फ्रेंड बिना किसी वर्ड को वीडियो को शुरू करें। सबसे पहले जो बात करना चाहती हूँ जो GFX टूल है और जो गेम बूस्टर है, वो गेम बूस्टर स्पेसिफिकली एक चीज़ पे बनाया हुआ है, वो आपको जो है ऑटो रिजेक्ट रिजेक्ट जो भी कॉल आएगा उसमें आपको गेम का प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए जो है रिजेक्ट कॉल को जो है रिजेक्ट कर देता है, नोटिफिकेशन को रिजेक्ट कर देता है। लेकिन गेम सच में क्या बूस्ट करता है इसी बात के जो है डाउट है। और आपका जो 1 GB का मोबाइल है, बहुत सारा फ्रेंड कमेंट कर रहे थे मेरा 1 GB का मोबाइल है, 2 GB का मोबाइल है, तो आपका 2 GB का 1 GB का डिवाइस में जो ये गेम है, ये गेम कितना स्टोरेज ले रहा है? मैं तो यहाँ पर डाउनलोड कर रहा हूँ 50 जो है यहाँ पर 500 MB का, 500 MB। लेकिन आप स्टोरेज में जाओगे तो ये सारा कुछ आपका डाउनलोड होगा तो ये 2 GB तक चला जाएगा, मेरे स्टोरेज में तो 2 GB चला जाता है। तो उसके बाद आपको जब यहाँ पर से आप जो GFX टूल और गेम बूस्टर को यूज़ करोगे तो उसमें जो क्या क्या प्रॉब्लम होगा, उसमें जो वो ऐप एक्स्ट्रा आपका रनिंग होता रहेगा ऊपर में देख सकते, GFX टूल को यूज़ करने के बाद ऊपर में देख सकते हो वो ऐप रनिंग रहेगा, तो वो ऐप रनिंग रहते समय आपका फिर से जो है जो भी डिवाइस है उसमें जो है प्रेशर पड़ेगा, तो प्रेशर पड़ने पर आपको जो है ज़्यादा लैग दिखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो है टेक्निकली जो है प्रूफ है। तो आप जो GFX टूल बहुत सारा जो है गेम बूस्टर एप्लीकेशन जो यहाँ पर यूज़ करते हो, जो भी यूट्यूबर आपको रिकमेंड करता है, वो एक्चुअली आपका जो ओरिजिनल जो गेम में जो नो लैग होता है, थोड़ा सा लैग करता है, आप उसको यूज़ करते हो तो ज़्यादा लैग करेगा, ये हकीकत है, ये कम्प्लीटली प्रूफ हैं। तो आप खुद ही समझ लीजिए वो ऐप तो आपका गेम को रन कर रहा है, तो गेम खुद ही नहीं चल रहा है, वो ऐप के थ्रू चल रहा है, तो ऐप भी आपका जो है डिवाइस में प्रेशर डाल रहा है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कोई भी गेम बूस्टर एप्लीकेशन का मत जो है यूज़ करना। मैं एक सिंपल सी ट्रिक सिखाऊंगा जिसमें आप जो है खेलते हो तो आपका मोबाइल बिल्कुल भी डिवाइस बिल्कुल भी नैक नहीं करेगा, और जिसका जितना रैम है उसके हिसाब से मैं जो है ट्रिक्स बता दूंगा, और उस ट्रिक्स को आप फॉलो करते हो तो उसका जो है तोड़ भी है, आप नो लैग करके भी स्मूथली गेम रन कर सकते हो। और मेरा रिकमेंडेड है कोई भी GFX टूल कोई भी यूट्यूबर बताते हैं तो कोई भी डाउनलोड मत करना, और जो है यहाँ पर से जो गेम बूस्टर एप्लीकेशन का उसको भी मत यूज़ करना। अगर आपका जो डिवाइस है 6 GB और 4 GB तक है रैम, तो आप इजीली गेम बूस्टर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, स्पेशली भी वो काम करते हैं आपका रिजेक्ट कॉल को रिजेक्ट कर देते हैं, नोटिफिकेशन को ब्लॉक करते हैं, जो भी व्हाट्सएप वगैरह नोटिफिकेशन आता है उसको जो गेम में बहुत डिफिकल्ट का जो है सिचुएशन पैदा कर देते हैं तो उसको जो है रोक देते हैं। तो इसीलिए आप यूज़ कर सकते हो गेम बूस्टर एप्लीकेशन को, वो भी स्पेसिफिक 4 GB 6 GB 8 GB रैम वाला मोबाइल के लिए। लेकिन जिसका 1 GB 2 GB 3 GB मोबाइल है उसको गेम बूस्टर यूज़ करना नहीं चाहिए, गेम ही आपका जो है डिवाइस में प्रेशर डाल रहा है, उसे आप गेम बूस्टर को यूज़ कर रहे हो तो गेम बूस्टर और गेम दोनों एक साथ प्रेशर डाले करेगा, तो आपका जो डिवाइस जो गेम प्ले है उसमें स्मूथली रन नहीं करेगा। तो जिसका जितना MB का जो रैम का मोबाइल है उसको मैं डिवाइस जो भी यहाँ पर या जो स्पेसिफिक कंडीशन है उसको मैं दिखा देता हूँ और उसको फॉलो करते हो तो आपका एक भी मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ एनीवे आएगा तो आपका जो है डिवाइस लैग नहीं करेगा। तो सबसे पहले सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे जाने के बाद बेसिक जो है बेसिक पे आपको जिसका 1 GB का मोबाइल है उसको स्मूथ कर देना है, इसको सबको पता है मुझे लगता है, जिसको भी नहीं पता है वो देख सकते हैं, और नेक्स्ट जो स्टेप बताऊंगा उसको शायद किसी को नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको स्मूथ पे क्लिक करना है, स्मूथ पे क्लिक करने के बाद आप खेलो, आपका लैग बिल्कुल भी हट जाएगा और आपको बिल्कुल यहाँ पर लगेगा ये जो आप बोलोगे ग्राफिक्स उतना अच्छा नहीं आएगा, तो आप ग्राफिक्स के पीछे पड़े हो, आपका गेम लैग करे, आप अच्छा खासा खेल नहीं पा रहे हो, तो आपका ग्राफिक्स जो है वो थोड़ा सा डिक्रीज होगा, मुझे भी मालूम है, लेकिन आप खेलना अच्छे तरीके से खेल पाओगे। और जिसका 2 GB रैम है वो स्टैंडर्ड डिवाइस पे खेल सकता है, और स्टैंडर्ड डिवाइस भी बहुत अच्छा है। जिसका 3 GB से ऊपर है वो मैं यहाँ पर रिकमेंड करूँगा आप अल्ट्रा खेलो, लेकिन क्लासिक नॉर्मल ऑफ, और यहाँ पर जो शेडो है उसको ऑफ कर दो, हाइट जो हाई FPS है उसको नॉर्मल कर दो, ब्राइटनेस क्लासिक कर दो,
और हाई जो है रेजोल्यूशन को नॉर्मल कर दो, और जिसका 4GB से आप जो है रैम है वो जो है यहाँ पर वेरी ब्राइट और हाई और जो है FPS को हाई कर सकते हो और रेजोल्यूशन को हाई करो, लेकिन शेडो को ऑन कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा नहीं करो, लेकिन यहाँ पर जो शेडो ऑन हो जाएगा तो खेलने पर बहुत दिक्कत आ सकता है, तो शेडो ऑन करके आप खेल सकते हो, बहुत अच्छा दिखता है। और जो है नेक्स्ट लेवल का जो टिप्स है जो किसी भी यूट्यूबर आपको नहीं बताया है, आपका गेम बिल्कुल भी मक्खन की तरह चलेगा। आपको सिर्फ क्या करना है, आपका जो स्टोरेज में जो फ्री फायर का एक बड़ा पैकेज है जो 400 MB का पैकेज है, उसको कहाँ से ढूंढना है वो भी आपको दिखा दूंगा। सो गाइस, फाइल को डिलीट करने के लिए आपको फाइल को एप्लीकेशन, आपका जो भी फाइल मैनेजर एप्लीकेशन है उसमें जाना होगा। जाने के बाद इंटरनल स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद एंड्रॉइड पे क्लिक करना, उसके बाद डाटा पे क्लिक करना। डाटा पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर से एक ऐप जो है एक डाटा का शो करेगा, तो मेरा शायद ये देखिए कॉम डॉट जो फ्री फायर है, इसको आपको के यहाँ पर जो फाइल है इस फाइल वगैरह सारे फाइल को आपको डिलीट कर देना है। तो ये किया होगा आपका जो गेम में जो आपका कपड़े जो भी यहाँ पर एनिमेशन आपका रहेगा वो हट जाएगा, और ये नेक्स्ट लेवल का जो है आप इसको समझ सकते हो नेक्स्ट लेवल का ट्रिक्स। इससे आपका 1GB भी रैम है उसमें भी अच्छा खासा चल जाएगा, और जो आप कपड़ा लेकर कॉस्ट्यूम लेकर खेलना चाहते हो सिर्फ उसी कॉस्ट्यूम उसी लूटबॉक्स को डाउनलोड करना, उसी गन स्किन को डाउनलोड करना, उसके बाद सबको जो है डाउनलोड मत करना, तो आपका जो स्टोरेज ज़्यादा यहाँ पर नहीं शो करेगा, ज़्यादा यूज़ नहीं होगा, तो आप वहाँ से इजीली जो है स्मूथली रन कर सकते हो गेम को और बहुत अच्छा तरीके से खेल पाओगे। अब उम्मीद है वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा, ये दोनों टिप्स बहुत ही काम का चीज़ हैं, आप इसको यूज़ करो और दो एक से हफ्ता यूज़ करने के बाद मुझे कमेंट करो कैसा लग रहा है। आज का कमेंट करने का कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं आज कमेंट करने का बोलूँगा भी नहीं, आज सिर्फ एक लाइक कर देना और एक हफ्ते में आके यूज़ करके आप कमेंट करना कैसे काम कर रहा है, बिल्कुल भी लैग होता है कि नहीं होता है, तो ये मुझे भी पता चल जाएगा, तो मुझे भी खुशी मिलेगा जो मैं टिक सिखाता हूँ वो एक्चुअली काम करता है। तो एक हफ्ते में आके इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हो और एक हफ्ता उसको यूज़ करो, मुझे तो लगता है बहुत आपको बेनिफिट मिलेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो, और सब्सक्राइब कर डालो, नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको देखिए, काला घर में कितना सुंदर आएगा उसको काला कर दो यार, और काला करने के बाद साइड में जो ओल्ड नोटिफिकेशन है उसको ऊपर में जो ओल्ड नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर दो, तो क्या होगा कुछ घंटे के बाद हमारा आपका जो वर्ल्ड लिविंग चैनल है उसका हिस्सा बन जाओगे। तो सबसे पहले मैं जो गिव अवे डालूंगा और हर सैटरडे को जो लाइव स्ट्रीम में जो डीजल लॉक का गिव अवे आएगा उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, और जो ज़रूरी बात है वो सैटरडे को मैं जो आज ही का दिन में लाइव स्ट्रीम करने वाला था, तो आप बुरा मत समझना गलत मत समझना, आज जो है कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर लॉकडाउन, मेरा जो सैटरडे को लॉकडाउन है आप सभी को पता है, और उसी लॉकडाउन पे थोड़ा सा काम मुझे रह गया था, उस काम को करने टाइम आपको 10 AM को ही एक्चुअली काम पड़ा हुआ है, और जो है लाइव क्लासेस भी होती हैं तो बहुत दिक्कत होती है, लाइव क्लासेस आपको पता है बहुत सारा लाइव क्लासेस अभी चल रहे हैं, तो इसी बात के लिए यहाँ पर से मैं इस सैटरडे को लाइव स्ट्रीम नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आपको बोल दूंगा लाइव स्ट्रीम, और जो 4 DJ लोग आपको दूंगा ही दूंगा, और एक जो विन हो चुका है उसको भी दे दूंगा मैं, तो नेक्स्ट जो है लाइव स्ट्रीम में आपको दूंगा, तो बिल्कुल भी गलत मत समझना, मैं डायमंड जो इकट्ठा कर रहा हूँ, डायमंड मेरा देख रहे हो, और इस डायमंड के थ्रू ही आपको जो है गिव अवे करूँगा। तो अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए अच्छी रहना भाई लोग, बाय बाय।